अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व्यूवर्स को, अजीज़ किचन में वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन जल फ्राइज़ी, तो वो भी मेरी स्टाइल में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। एक चुटकी जाएगा नमक और एक चुटकी ही जाएगी काली मिर्च। अब इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडा हमारा अच्छे से फेंटा गया। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। पैन को चढ़ा लिया चूल्हे पे, फ्लेम को कर लिया है ऑन। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें जाएंगे अंडे। अब इसे हम पलट लेंगे। अंडा दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। पैन को दोबारा चूल्हे पर चढ़ा लिया। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। सबसे पहले जाएंगी शिमला मिर्च, जो कि मैंने 2 अदद ली थी दरमियाने साइज की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, आपने इन्हें सोटे कर लेना है, यानी कि आपने इनको फुल नहीं पकाना, सिर्फ हल्का सा पकाना है और थोड़ा थोड़ा भी कच्चा रखना है। अब इसमें जाएगी 1 अदद बड़ी प्याज, जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इन्हें निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लिया। अब इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। हल्का सा लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा 1 kg बोनलेस चिकन। व्यूअर्स, चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ही अदरक। व्यूअर्स, अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जाएगी लाल मिर्च। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1/2 चम्मच जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। 1/2 चम्मच ही जाएगी हल्दी। 1 टेबलस्पून जाएगा धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा जीरा पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढाँप देंगे ताकि गोश्त नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं।
अब इसमें जाएगा 2 अदर टमाटर का पेस्ट, इसमें कर रहा हूँ जिनका मैंने छिलका उतार लिया था और अंदर से बीज भी निकाल दिए थे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच गरम मसाला और 3 अदद दरमियाने साइज की सब्ज मिर्च जिनके बीज मैंने अंदर से निकाल लिए हैं और इन्हें इस शेप में काट लिया। रिवर्स 6 से 7 टेबलस्पून जाएंगे टमाटो केचप के, इसमें और 2 टेबलस्पून ही जाएगा सोया सॉस, इसमें और 1 टेबलस्पून जाएगा नमक, इसमें अब जाएंगे 2 दरमियाने साइज के टमाटर जिनके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हुए, साथ ही जाएंगे हमारी शिमला मिर्च और प्याज जिनको हल्का सा फ्राई कर लिया, और सबसे लास्ट में जाएगा अंडा जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से ढांक देंगे हल्की आंच पे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जलफ्राजी हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है, बनाना बहुत इजी है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।